सो एक बार फिर से आपके लिए ला रही हूँ बेस्ट रिसोर्ट इन साउथ गोवा। जी हाँ, ये एक ऐसा विला है जहाँ पर आप जो है अपने पार्टनर के साथ कपल जकूजी एंजॉय कर सकते हैं सी व्यू के साथ। तो और जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीना, फाइन इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आई हूँ गोवा में। गोवा में हम लोग कर रहे हैं साउथ गोवा, जिसमें जिस बीच पर मैं आई हूँ उसका नाम है अगोंडा। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है गाइस, काफ़ी शांत है। अगर आप गोवा पहले भी आ चुके हो, आपको शांत प्लेस चाहिए, बिल्कुल भी क्राउड नहीं चाहिए, क्लीन बीचेस चाहिए होंगे, तो आप साउथ गोवा के बारे में सोच सकते हो। यहाँ पर आप आओगे कैसे, तो मड़गांव से रेलवे से आप अगर आ रहे होगे तो यहाँ तक आने के लिए आपको जो है बसेस तो अवेलेबल है ही, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आप बाइक रेंट पर लेके आ सकते हो या फिर आप जो है कार भी रेंट पर ले सकते हो। दोनों भी ऑप्शंस आपको बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि घूमने फिरने में यहाँ के जो टूरिस्ट स्पॉट्स है उसे कवर करने में आसानी होगी। और हम लोग अभी जिस रिसोर्ट का टूर देने वाले हैं उसका नाम है अगोंडा सेरेनिटी रिसोर्ट, और बहुत बढ़िया रिसोर्ट है। सी फेसिंग ये विलास है। उसके बाद यहाँ पर ना विलास और रिसोर्ट ऐसे दोनों भी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। मैं अभी आपको विला दिखाने वाली, क्योंकि इसमें जकोजी है। जी हाँ, काफ़ी मज़ा आएगा ना आपके वेकेशन को जो और मेमोरेबल बनाने के लिए, और बढ़िया बनाने के लिए। मैं आपके लिए विला लाई हूँ। बेस्ट है ऑप्शंस फैमिली और कपल्स के लिए। रूम्स काफ़ी बड़े हैं, आप खुद ही देख लो। मैं अभी आपको इस जो पूरे के पूरे रिसोर्ट को जो है वो टूर देने वाली हूँ। और यहाँ के भी टूरिस्ट स्पॉट्स बहुत सारे हैं, आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हो, कायाकिंग कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो चलिए हम लोग टूर देना स्टार्ट कर देते हैं। मेन हाईवे से हम लोग जैसे ही अगोंडा बीच के ऊपर जाते हैं, यहाँ से दो रास्ते चलते हैं, एक लेफ्ट और राइट। हम लोगों को राइट साइड पर जाना है, चर्च लगता है वहाँ से, बहुत सारे शॉपिंग के शॉप्स हैं। यहाँ से एंड आता है, एक बैक वाटर की रिवर आती है, उससे पहले ही यहाँ का जो है रिसोर्ट है। रिसोर्ट का बोर्ड छोटा होने की वजह से आपको जो है ढूंढने में आसानी हो, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूँ, बैक वाटर का जो ब्रिज है उससे पहले ही हमारा रिसोर्ट आता है। सो गाइस, मेन रोड से ही ये रिसोर्ट लगता है, और ये है यहाँ की पार्किंग, बहुत बड़ी पार्किंग है ना। सो उसके बाद हम लोग अभी जाएंगे रिसोर्ट के अंदर। बीच साइड ये रिसोर्ट है, इसलिए आपको पार्किंग से बस 2 मिनट के वॉकिंग पर ही रिसोर्ट मिल जाएगा। थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है। तो चलिए इस एंट्रेंस से हम लोग अंदर की ओर चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये एंट्रेंस है। हमारी जो रिसोर्ट है ये बीच फ्रंट है, उसके वजह से आपको बस थोड़ी ही, बस 100 मीटर आपको अंदर चल के जाना पड़ता है। तो गाइस, सामने की तरफ ये है बीच और ये है कॉटेजेस। आप देख सकते हो ये कॉटेज है, यहाँ पर एक कॉटेजेस है, और ऊपर की ओर आपको जो है यहाँ पर कॉटेज दिखा, और यहाँ पर ऐसे 4-5 कॉटेजेस है यहाँ पर, जिनको 4 को जो है सी व्यू है, जकूजी है। जी हाँ, सो हम लोग अभी जो है रूम टूर कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ। यहाँ पर हम लोग जैसे ही सैंड के ऊपर से जाते हैं घूमने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जेट स्प्रे रखा गया है, जिससे
आपको अगर कुछ भी सैंड होगी वो आप रिमूव कर सकते हो, उसके बाद जा सकते हो। तो चलिए रूम टूर कर। हम लोग स्टेयर्स चढ़ के ऊपर की ओर जा रहे हैं क्योंकि हमारी रूम जो है ऊपर के साइड पर है। ऊपर के साइड पर दो, नीचे के साइड पर दो और एक बैक साइड पर रूम है जिसे सी फेसिंग नहीं है। तो मैं अभी सी फेसिंग जो है ऊपर वाली रूम आपको दिखा देती हूँ। मैट है पार्टीशन जिससे आपको जो है कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंटर करते ही आपको है सोफा दिया गया है जहाँ पर जो चेयर है वहाँ पर बैठकर आप जो है व्यू एंजॉय कर सकते हो। कपल जकूजी है जो कि आपके स्टे को चार चांद लगा देगा, ब्यूटीफुल रूम ब्यूटीफुल व्यू के साथ। और टब बात तो मतलब जकूजी तो है ही जो कि बहुत कम ऑप्शंस होते हैं बीच फेसिंग वाले। उसके बाद यहाँ पर इन लोगों ने कॉफ़ी टेबल दिया गया है जहाँ पर बैठकर आप अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो चलिए मैं अभी आपको जो है रूम दिखा देती हूँ, वो भी बहुत बढ़िया है। सो गाइस ये देखो, ये है रूम। जैसे ही हम लोग एंटर कर देते हैं, बहुत ही बिग साइज है इस रूम का। सी फेसिंग होने के बावजूद आपको काफ़ी स्पेस मिल रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर तीन लोग बेड पर आराम से सो सकते हैं। बड़ा किंग साइज बेड है, टॉवेल्स रखे गए हैं, काउच है सामने की तरफ, टेबल है, उसी के साथ साथ यहाँ पर वार्डरोब दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक फ्रिज भी है और ये मिनी नहीं बड़ा फ्रिज है। उसी के साथ साथ साइड टेबल्स दिए गए हैं, एसी है यहाँ पर ब्यूटीफुल, यहाँ पर लैंप्स लगाए गए हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर वर्क प्लेस है या फिर आपको कुछ भी काम करना होगा तो आप यहाँ पर कर सकते हो। वाटर बॉटल भी यहाँ पर रखे गए हैं, उसी के साथ साथ फ्लावर पॉट। और ये है ड्रेसिंग टेबल जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसी के बाद ये है यहाँ का वॉशरूम। वॉशरूम ना बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो। वाओ, वॉशरूम की साइज आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी है। यहाँ पर स्टेयर्स दिए गए हैं, ये थोड़ा सा टू स्टेयर्स नीचे की तरफ वॉशरूम है। ये है बीच में का शॉवर एरिया। सच में आपको गोवा में आने का फील होगा। ब्यूटीफुल विला यहाँ पर बनाया गया है। डेकोर इसको बहुत ही अमेजिंग तरीके से किया गया है। काफ़ी स्पेस है यहाँ पर, आप देख सकते हो बड़ा सा मिरर, फ्लावर पॉट, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज है यहाँ पर। और चलिए हम लोग फिर से चलते हैं हमारी रूम की तरफ। वो बहुत ही अमेजिंग, कैसा लगा आपको? छोटा सा लॉन एरिया सामने की तरफ और आगे शॉवर एरिया है जहां पर अगर आप बीच से आ रहे होंगे तो ये भी एक ऑप्शन है, शॉवर लेके आप अपने रूम के ऊपर जा सकते हैं। सो हम लोगों ने सब ही चेक इन कर लिया है। हम लोग जा रहे हैं बीच के ऊपर घूमने के लिए। बहुत ही क्लीन बीचेस है और है ना यहाँ पर सैंड भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा लगता है यहाँ पर घूमना। उसके साथ साथ अभी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में, अगर आप यहाँ पर आ रहे होगे ना तो यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हो। यहाँ पर बोटिंग के चार्जेस है 500 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें आपको जो है बैक वाटर में घुमाया जाता है और इसमें आपको जो बर्ड वॉचिंग है, फ़ोटो क्लिक किए जाते हैं, वो सब कुछ एक्टिविटीज़ होती है। उसके बाद यहाँ पर बैक वाटर में कायकिंग भी होती है। जी हाँ, और कायकिंग के चार्जेस है 200 रुपीज़ पर पर्सन। आप कपल हो गए तो 400 रुपीज़ में वो हो जाएगा आसानी से। उसके साथ साथ आप पैलोलिम बीच पर भी यहाँ पर से जा सकते हो जो कि यहाँ से हार्डली 5 to 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो वहाँ पर आप जो है बटरफ्लाई बीच वो सब कुछ जो टूर रहती है वो आप आसानी से कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस से ज़्यादा है ना शांति से घूमना, बीच के ऊपर स्विमिंग करना, ये सब कुछ एक्टिविटी करना तो बहुत ही अच्छा है। वो आप देख सकते हो यहाँ पर सनसेट जो है इस माउंटेन के ऊपर रहता है। और इसी से आगे जो है काबू दे रामा, ये जो बीचेस है वो सभी है जहाँ पर आप जो है जा सकते हो। वहाँ पर जो है लग्जरी कॉटेजेस है। अभी अंगोंडा से जो है इसके आगे जो कॉटेजेस मिलेंगे जो कि बजट फ्रेंडली रहते हैं और सी फेसिंग रहते हैं। आपको नॉर्थ गोवा में तो सी फेसिंग कॉटेजेस जो मेन बीचेस है वहाँ पर जो मिलेगा ही नहीं, शैक्स ही मिलेंगे। उससे दूर आप लास्ट लास्ट के गोवा में जाओगे वहाँ पर कॉटेजेस है। तो
बहुत बेस्ट है, आप सी देखिए, अमेजिंग। तो यहाँ पर आपको जो है डॉल्फिन ट्रिप, फिशिंग ट्रिप, बटरफ्लाई बीच, आइलैंड ट्रिप भी है, उसके साथ साथ साउथ गोवा के ऑल बीचेस के ट्रिप्स भी अवेलेबल है। अगर आपको बर्थडे पार्टी या फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करना होगा तो उसकी भी अच्छी सी अरेंजमेंट यहाँ पर करा दी जाती है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। 3 ऑप्शंस है, कायाकिंग, सी में बोट राइड जिसमें आपको जो टूरिस्ट प्लेसेस है वो घुमाते हैं, या फिर बैक वाटर में जो है बर्ड्स को खाना खिलाया जाता है, वो सब कुछ एक्टिविटी होती है। उसमें से हम लोगों ने जो है पेमलिन बीच के पास से जो है बोट ट्रिप की थी, बटरफ्लाई बीच की, जो कि काफ़ी बढ़िया थी, हम लोगों को काफ़ी पसंद आया। जिसमें से सिर्फ बटरफ्लाई बीच जो है और जो टर्टल रॉक है, वो दो मेन चीज़ें हम लोगों को काफ़ी पसंद आई। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। सो गाइज, हम लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं सनसेट, यहाँ से बहुत ही अच्छा सनसेट दिख रहा है। उसी के साथ साथ ये जो रेलवे स्टेशन से, मतलब अगर आप आ रहे होगे या फिर कार से आ रहे होगे तो मड़गांव स्टेशन से, मैं आपको मेन स्टेशन यहाँ का बता रही हूँ, वहाँ से ये 15-20 किलोमीटर्स है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप आओगे तो है ना, मैं अभी आपके इसके प्राइजेस के बारे में बता देती हूँ। इस खूबसूरत विला जो, ये जो ऑप्शन है ना, ये बेस्ट है अगोंडा में। आपने कपल जकूजी देखा, ये भी बहुत बेस्ट है। सी व्यू सामने की ओर है, आपको यहाँ पर घूमने में बीचेस के ऊपर काफ़ी मज़ा आएगा। सो यहाँ पर जो रूम के चार्जेस हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बता दूं कि ये इस रिसोर्ट साउथ गोवा की प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो बीच साइड के जो कॉटेजेस हैं, वुडन के जो कॉटेजेस होते हैं, वो जून से लेकर सितंबर तक क्लोज रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल मतलब बहुत सारा रेन रहता है। तो इसके वजह से सभी कॉटेजेस स्ट्रिक्टली बंद ही रहते हैं, आपको कोई भी जो बीच फ्रंट जो कॉटेजेस है ओपन नहीं मिलेगा, जो यहाँ से दूर है वही आपको जो है ओपन मिलेंगे। तो ये क्लोज है, आप अक्टूबर से जो फरवरी इनका सीज़न रहता है और अप्रैल मई में इनका ऑफ सीज़न रहता है, तो इसके जो प्राइजेस रहते हैं वो कम बढ़ते रहते हैं। तो अभी के लिए इसके जो प्राइजेस है वो है 8,500 रुपीस, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, वेज नॉन वेज दोनों भी ब्रेकफास्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद जब सीज़न होता है तब इसी की जो प्राइस है वो 11,000-13,000 के बीच में होती रहती है। तो इसी के लिए मैं अभी आपको इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो दे रही हूँ, जिससे आपको बुकिंग करने में आसानी होगी और यहाँ पर जो है अच्छे से आ पाओगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो आपके फिर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।